السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدي ومولاي وعلى آل سيدي ومولاي मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी इसके पहले कलमे के भी बारे में बातचीत हो रही थी, तो पहले ही दौर में जब सरकारे दो आलम जब तशरीफ लाए, तो पहले शुरू में सरकार ने ऐलान किया कि ला इला इल्लल्लाह, तो अरब वाले बोले यस्तकबुरून। यस्तकबरून का मतलब होता है कि मैं नहीं मानता। अब यहाँ बोला जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो अरब वाले क्यों इनकार किए? उनको तो इनकार नहीं करना चाहिए था, जैसे आज का मतलब बताते हैं हर मौलवी मुफ्ती मौलाना लोग बताते हैं इसका मतलब ये है। लेकिन सरकार दो आलम ने कहा कि हर मखलूक के अंदर खालिक मौजूद है, यानी हर इंसान के अंदर अल्लाह मौजूद है, हर मनुष्य के अंदर भगवान मौजूद है। तब अरब वाले इनकार किए कि जब मेरे अंदर ही अल्लाह मौजूद है, भगवान मौजूद है, हम लोग काबे में जा कर के मूर्ति का पूजा करते हैं कि हमारे मूर्ति यानी भगवान खुश हो जा, तो ऊपर वाले भगवान से मेरी मगफरत कराए। इसलिए वो ला इलाहा इल्लल्लाह का हथौड़ा सरकारे दो आलम ने ऐलान किया। उसके बाद सरकारे दो आलम जैसे आज हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को लोग काफिर बोलते हैं, जो काबे की कुंजी काबे का देख रेख काबे का मुतवल्ली है वो कभी काफिर हो नहीं सकता। और सरकारे दो आलम जो आखिरी पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो काफिर के घर में तो परवरिश नहीं पा सकते, क्योंकि अल्लाह पहले ही मना कर चुका है। लेकिन आज लोगों के वो समझ में बात नहीं आती है। क्यों नहीं आती है कि बहुत से लोग बोलते हैं कारी मुफ्ती हाफिज कि सरकार ने कहा अबू तालिब अलैहिस्सलाम से, वो लोग तो अबू तालिब बोलते हैं, कि मेरे कान में सिर्फ कलमा पढ़। अब सोचने की बात है कि कान की बात आज तक उम्मती को सुनाई दिया, कान की बात कि आज तक हर उम्मती को कान में सुनाई दिया, मौलाना लोग उसको अफवाह बना के बताए, लेकिन सरकारे दो आलम 15 ज़िलहिज्जा को काबे से ये ऐलान करने का हुआ कि जा करके तुम बताओ जो तुमको बताया गया है। तो जब वहां से चले तो खुंस के मैदान में 18 ज़िलहिज्जा को पहुंचे। 18 ज़िलहिज्जा को पहुंचे, वहां मेंबर लगाए, ऊंट के ऊपर जो बैठने के लिए बनाया गया था उसको जो सहाबी ईमान वाले थे वो सहाबी के ऊंट का वो मंगा करके वो मेंबर बनाए, सब सहाबियों का लिए नहीं, जो सरकार पर मुकम्मल ईमान रखते थे, अली मौला पर ईमान रखते थे। तो वो दिन में दोपहर में धूप में ऐलान किए। वो क्या ऐलान किए कि देखो जो चले गए हैं वो भी सुन लें, जो मौजूद है वो भी सुन ले, जो आने वाले हैं वो भी सुन ले।
कि अब मैं अपने हकीकी मालिक से मिलने जा रहा हूं। अब यहां से कि मैं जिस जिसका मौला हूं उस उसके अली मौला हैं। तो ये दोपहर में, दिन में, धूप में, गर्मी के सीजन में ऐलान किए, आज मौलाना मुफ्ती कारी इनके कान तक वो बात नहीं आती कि सरकार ने ये बात कहा है। उसके बाद सरकार दोआलम ने कहा कि अब आज से अब अली सबके ओली है, यहां से वलायत चालू होगी। जब सरकार दोआलम ये नाम लिए तो तुरंत अल्लाह के तरफ से हुक्म हुआ कि अब दीन मुकम्मल हो गया। इतने पैगंबर आए, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हमारे आखिरी पैगंबर सरकार दोआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सब नबियों के नबी हैं, जिनके लिए जमीन व आसमान बनाया गया, तब भी दीन मुकम्मल नहीं हुआ था, जब तक अलीउन वलीउल्लाह का ऐलान नहीं हुआ। इसी बात पर सहाबी लोग, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कि उनको उरगलाए कि देखो तुम बोलो, सरकार से नाम लेकर बोलते थे कि ये अपने तरफ से बोल रहे हो कि अल्लाह के तरफ से। तो अभी उसका दौर सहाबी थे, बोले देखो जहां सरकार रहेंगे वहां अजाब नाजिल नहीं होगा, तुम बोलो। तो आखिर अंत में उसने पूछ ली लिया कि सरकार ये आप अपने तरफ से बोल रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से बोल रहे हैं। इतना पूछना था तो अबाबील चिड़िया उस समय जो काबे के ऊपर अबरहा फौज लेकर आया था गिराने के लिए, तो वही अबाबील चिड़िया अपने चोंच में कंकड़ियां गिराती थी, सब तबाह हो गए। उसके बाद एक को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम जाकर के बैठो, तुम्हारा जब वक्त आएगा तो बताया जाएगा। तो जब इसने इस पर इतराज किया कि अपने तरफ से बोल रहे हो कि अल्लाह के तरफ, तो अल्लाह को इतना नागवार मालूम हुआ कि उस चिड़िए को ऑर्डर हुआ, तुरंत वो चिड़िया ले आके उसके सर पर वो कंकड़ी गिराई, वहीं पर वो दो टुकड़ा हो गया। जब दो टुकड़ा हो गया तो जो नहीं ईमान लाने वाले थे वो भी सब लोग मान गए, हाँ नहीं नहीं सही बात है, ये अल्लाह की। यानी पूरा यकीन नहीं, ढुलमुल यकीनी से ही मानना है। जिसका नाम लिया जाता है अबू बकर, उमर, उस्मान, उनका कितना आज चलता है, हर मुसलमान उनको अफजल बोलता है, जो कि इन तीनों का कारनामा बहुत ज्यादा अलग है। तो उन लोगों के बात समझ में नहीं आती। बागे फदक का बागीचा था, बागे फदक का बागीचा जो सरकार दोआलम अपने बेटी फातिमा जोहरा को दिए थे, तो वहां पर उनके काम करने वाले जिसको नौकर बोलते थे, तो लोग बागीचे में रखवाली करते थे। अब ये बन गए पहला खलीफा। तो पहला खलीफा कैसे बने, देखो सरकार ने वहां ऐलान कर दिया, क्या कहा कि मैं जिस जिसका मौला हूं उस उसके अली मौला है, अब यहां से वलायत चालू होगी, ये मेरे ही जानसीन है, मेरे वसी है। आइए, और पहले कह चुके सरकार
जब 9 साल की 10 साल की उम्र में थे मौला अली अलैहिस्सलाम, तो सरकार बैठे हुए थे तो हर सहाबी भी मौजूद थे। और सरकार दो आलम ने कहा कि मेरी नुसरत कौन करेगा। नुसरत माने होता है कि मेरी मदद कौन करेगा। तो सब सहाबी बैठे हुए थे, कोई सहाबी खड़ा नहीं हुआ। कौन हुए? अली मौला। उस समय अली ही बोले जाते थे। तो सरकार दो आलम ने कहा अली बैठ जा। फिर दोबारा बोले कि देखो, जो मेरी नुसरत करेगा वो मेरा जानसीन होगा, मेरा भाई होगा, मेरा वसी होगा। फिर कोई नहीं उठा। फिर अली मौला उठे। फिर सरकार दो आलम ने कहा कि नहीं अली बैठ जाओ। फिर बैठ गए। तीसरी मरतबा सरकार दो आलम ने कहा कि तुम में से मेरी नुसरत कौन करेगा। ये न कहने पावा कि सरकार एक ही दफा कहे, अगर और कहे होते तो हम लोग उठ जाते। इसलिए 3 दफा कहे सरकार दो आलम। तो तीसरी दफा भी कोई नहीं उठा। वो कौन उठे? अली मौला उठे। तब सरकार दो आलम ने ऐलान किया, ये मेरे भाई हैं, मेरे जानसीन हैं, मेरे वसी हैं, यानी मेरे बाद यही मेरे खलीफा हैं। और गदीर के दिन भी ये ऐलान किए थे। तो जब गदीर के दिन ऐलान किए तो दूसरे खलीफा उमर, वो जब अली मौला नीचे उतरे तो उनको मुबारकबादी पेश किए, गले से गले मिले, आज से आप हमारे मौला हैं। फिर उसके बाद से सरकार दो आलम जब गए, सब सहाबी भी गए, तो सरकार दो आलम अपने मेंबर पर अली मौला को बैठाए और सब सहाबी को पर्दन पर्दन बैयत होने के लिए वो भेजे। सब लोग बैयत हुए। तो जब सरकार दो आलम का पर्दा हुआ, पर्दा होने पर जब उनको लेकर गए अली मौला वगैरह, तो तदबीर में कोई सहाबी नहीं गया। ये अपना जान रहे हैं कि अली मौला ही जानसीन है, लेकिन फिर भी ये लोग मिल करके अबू बकर को खलीफा बनाए। तब यहां हो गया बैयत तोड़ना। जब बैयत हो गए तो बैयत तोड़ता इंसान तो क्या होता है? मुनाफिक होता है। जैसे यार तुम में से मेरे पास बैयत है, अगर वो बैयत तोड़ेंगे, मेरी बात पर अमल नहीं करेंगे, मैं जो कहूंगा सुनेंगे नहीं, तो बैयत से खारिज हो जाते। तो बैयत से खारिज होना मुनाफिक होना, काफिर होना। अब इन लोगों का कारनामा बताऊं तो बहुत टाइम जाए। तो सरकार दो आलम उस समय हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाए, बुला करके बोले कि बिलाल जा करके मुनादी कर दो, मन काल ला इला इल्लल्लाह फदक लजन्ना। तो जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु गए, सबको मुस्तारिक करने लगे, यानी इकट्ठा करने लगे, तो उसमें उमर पहुंचे। तो उमर पूछे ये क्या कर रहे हो इकट्ठा करके? तो बोले ये चीजें ऐलान करना है। तो बोले अगर ये तुम ऐलान करोगे तो नमाज रोजा तो सब खत्म हो जाएगा। अब उन लोगों को यकीन होता अगर सरकार दो आलम पर,
तो जब सरकारें द्वालम तशरीफ लाए तो पहले के 3 किताबें भी मनसूख हो गए, पहले जो कानून थे नमाज रोजा सब मनसूख कर दी गई। अब सिर्फ सरकार की किताब चलती थी, सरकार की बात चलती थी। तो क्या था, जैसे असाबे सुफा पर लोग बैठते रहते थे, सरकार के तसव्वुर में रहते थे, उनकी याद करते थे, वही नमाज थी। इसीलिए सरकार दो आलम ने कहा कि अली को देखना ही इबादत है, अली का जिक्र करना ही इबादत है। तो जब चीजें थी पहले सरकार बताए, तो अब वो चीजें, अब जा करके वो चीजें हम लोग उसकी तस्रीह करके लिखे हैं, ताकि जो आने वाला है वो उसको पढ़ करके समझे है क्या चीज। इसके पहले भी जब हम लोग कलमा बताते थे तो पहले मैं भी नहीं बताया था, ना मैं जानता ही था, लेकिन मरम मौला का करम ऐसा था कि मैं 24 नवंबर को और 25 नवंबर को महफिल के टाइम मैं ऐलान किया कि अली की मोहब्बत क्या है। तो अली की मोहब्बत बताए नहीं, जो मुकम्मल अलीउल वलीउल्लाह पर ईमान रखता है वो अली की मोहब्बत है। तो मैं उस समय वो कलमा पढ़ाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीउल वलीउल्लाह वसी रसूल अल्लाह वो खलीफत उम्मत ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दूसरा कलमा था जब मुस्लिम बिन अकील कूफे में गए, जब यहाँ से खत आता था कूफे से, तो जब वहाँ पहुँचे जो इमाम हुसैन अली मकाम बोले भाई जाओ देखो वहाँ क्या हाल है। वो तो सब जानते थे सरकार इमाम हुसैन अली मकाम, अगर जानते नहीं तो उनको ख्वाजा मरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनको क्यों ऐसा बोलते कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन बना अस्त हुसैन। उसके बाद बीच का कड़ी हर मौलवी मौलाना निकाल दिए कि सब उम्मती उन्हीं को अल्लाह मानने लगे, तो बीच का कड़ी छुपा दिए थे कि निदाए रूही रूह अस्त हुसैन, निदाए रूही रूह अस्त हुसैन, इसमें अल्लाह इसमें अल्लाह जाते अस्त हुसैन। कितना अच्छा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिसरा बताया कि उस मिसरे को अगर समझ जाएगा इंसान तो इमाम हुसैन अली मकाम को सब जानेगा, जैसे सरकारी अल्लाह है और अली मौला भी वही है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। यानी जब तक हम उनको सब कुछ मानेंगे नहीं तब तक मेरा ईमान मुकम्मल होगा नहीं, ना हम पहचान पाएंगे। फिर उसके बाद है सरदार नदार दर दस्ते अजीब हक्का की बना लाएगा अस्त से, यानी तीनों मिसरा समझ जाएगा अगर तो पूरा इमाम हुसैन अली मकाम भी सब कुछ है। आज लोग बोलते हैं, देखो मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को बताने के लिए तो मैं दूसरी तरफ चला जा रहा हूँ। आज बोलते हैं कि ताजिया बनाना हराम है, बाजा बजाना हराम है। तो अब देखो एक आदमी था
वो मन्नत माना था कि मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा, बोसा दूंगा, तो उसका काम पूरा हो गया। जब उसका काम पूरा हो गया तब वो परेशान हो गया कि मैं जन्नत का दरवाजा कैसे चूमूं, कैसे वहां पहुंचूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। सरकार ने कहा तो तुम इतना परेशान क्यों होते हो, जाओ अपने माँ और बाप का पांव चूम लो, कदम बोसे कर लो, तुम्हारे जन्नत के दरवाजे को चूमने का काम पूरा हो जाएगा। जब ये बात सुना तो बोला सरकार मेरे माँ बाप नहीं है। अब देखो सरकार दो आलम कितना रहमतुल आलमीन अपने उम्मत के लिए बोले, ठीक है अगर नहीं है तो तुम कब्रिस्तान में जाओ, वहाँ अपने माँ का और बाप का जो कब्र है वहां सजदा कर लो और चूम लो, तुम्हारे जन्नत के दरवाजे को चूमने का काम पूरा हो जाए। फिर क्या बोला, जब आया तो बोला या रसूल अल्लाह ना मेरे माँ का कब्र मालूम होता है ना मेरे बाप का, मैं क्या करूं। सरकार दो आलम ने कहा अच्छा ये बात है तो घर पर जाओ, एक लकीर खींच लो, चार कोण का बना लो और उसके अंदर दो कब्र का लकीर बनाओ, एक अपने बाप का बना लो एक अपने माँ का बना लो। अब बना करके वहां सजदा करके चूम लो, तुम्हारे जन्नत के चूमने का काम पूरा हो जाएगा। अब देखो कितना कितना अच्छी बातें सरकार दो आलम अपने उम्मत के लिए कहे और माँ बाप का कैसे खिदमत किया जाता, कैसे उनकी आदर की जाती है। इसलिए वो चीज बताई जाती है कि माँ बाप जो बोलते हैं उस पर अमल करो, उसके खिलाफ मत जाओ, माँ बाप को साथ में लेकर के चलो। शादी हो गई है बीवी को भी साथ में लो, बच्चे हैं बच्चे को भी साथ में लो, लेकिन माँ बाप का जो हक है उसको अदा करो। ये नहीं बीवी के कहने पर या सवर के कहने पर छोड़ के भाग जाओ, कुछ मत हो, ये तो रसम चलती आ रही है। थोड़ा सा तूतू मैमा होता है अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग हो गए हो फिर भी अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखो। जब तक नहीं रखोगे कामयाबी हासिल नहीं होगी, हमेशा तुम्हारे लिए माँ बाप हुआ करते हैं। माँ को अगर गाली दो मारो पीटो, अगर दूसरे दिन ही तुमको दूसरा कोई मारेगा तो तुरंत जाके माँ छाप लेगी मेरे लड़ना को मत मान, ये नहीं सोचेगा वो सोचेगी माँ कि कल मुझे गाली दिया मारा, वो नहीं सोचेगी, तुरंत जा करके उसको छेक लेगी। माँ का कितना बड़ा प्यार है, इसलिए माँ बाप के पैरों तले जन्नत होना दिया है। ऐसे ही लोग बोलते हैं ताजिया नहीं बनाना चाहिए। जब एक लकीर खींच करके हम जन्नत के दरवाजे को बोसा दे करके अपना पूरा कर सकते हैं तो हम इमाम हुसैन आली मकाम का वो चीज बना करके जैसा भी हो हम उनको निस्बत देते हैं कि मैं ये इमाम हुसैन अली मकाम का मकबरा बनाते हैं या ताजिया बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, उनकी निस्बत है तो तुम चूमो सजदा करो उनसे मोहब्बत करो,
तो जो तुम बोलोगे जो कहोगे तुम्हारी मगफिरत करेंगे, तुम्हारी निजात दिलाएंगे। मौलाना मौलवी के कहने पर ऐसा मत करो। बाजे के लिए ऐसे ही वो क्या किया, लोग बोलते हैं कि मेजे पर सर बुलंद करके बाजा बजाना चालू करके ले जा रहा था, लेकिन आगे का कहानी नहीं बताते। जब वो बजाना चालू किया तो उसमें से क्या होने लगा, हक उसे या उसे, हक उसे या उसे। तब उसका सरदार बोला, अरे जल्दी से बाजा बंद कराओ, जल्दी से बाजा बंद कराओ। आज वही लोग हैं जो बोलते हैं बाजा बंद करो, उनका कान हक हुसैन या हुसैन का नारा नहीं सुन सकता है, इसलिए वो बंद कराते हैं। ये इस्लाम का डंका है, इस डंके के नीचे सब आ जाओ, उसे माँ हुसैन अली मकाम के पास आ जाओ। अब चलो ज्यादा हो जाएगा, अब आ जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अब किताब तो दी गई है सबको, किसके किसके समझ में बात आई है जरा हाथ उठा के मुझे बता दें। बोलते हैं कि भाई थोड़ा पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो। जैसे कलाम पाक है हिफ्ज कर लेते हैं, माने मतलब नहीं जानते तो कुछ फायदा नहीं। तो चीजें जो दिया गया बताया गया है तो किसको किसको मालूमात हुई है बताओ। देखो मैं बता रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उसमें साफ लफ्जों में लिखा है इला मने नहीं, इला मने है यानी नहीं है, यानी नफ्स की नफी बताई गई है। तो अब नफ्स की नफी कैसे निकालना, अब जो तुम्हारे अंदर क्रोध है, जो एक दूसरे के खिलाफ बुग्ध भरा हुआ है, अहंकार है, ये सब चीजें जब निकल जाए तो खुद ब खुद तुम्हारे अंदर वो प्रेम आ जाएगा, वो मोहब्बत आ जाएगी। जब तक वो चीज नहीं निकलेगी तब तक प्रेम ना होगा ना मोहब्बत होगी। अब उसका मिसाल देखो है, कई दफा बताया गया घूर बताओ, घूर कभी ये नहीं बोलता, गड्ढा ये नहीं बोलता कि मेरे अंदर संदास मत देखो, कोई कचरा मत डालो, कोई कपड़ा मत डालो, यानी कोई चीज वो मना नहीं करता। सब डाल दिया जाता है, डालने के बाद वो सब को सड़ा करके खाद बनाता है। खाद बना करके जब उसको खेत में डाला जाता है तो अच्छा अच्छा फसल होता है। तो ऐसे ही है, जब कोई तुमको अगर एक गाली देता है तो तुम्हारा नफ्स तुरंत पलट के जवाब देता है। तो नफ्स को काबू करना है। नफ्स बोलेगी जरा आज गोश्त ले आओ बनाया जाए, नफ्स बोलेगी कि आज कीमा खाना है, नफ्स बोलेगा आज मुर्गा मुसल्लम खाना है। यानी एक न एक जितने पकवान है वो नफ्स ही बोलता है। यही वजह है कलाम पाक में है कि कुल नफ्स जाए कुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, इंसान को नहीं, मनुष्य को नहीं, उसके नफ्स को। तो अगर तुम नफ्स को नफी कर दोगे, निकाल दोगे, नफ्स ही नहीं रहेगी तो वो चीज क्या होगा, सिर्फ वह गौला सिर्फ तुम्हारे अंदर रह जाएगा, भगवान रह जाएगा। तो हमारे सरकार कलमा के जरिए किए, फिर
उसके बाद है इल्ला, इल्ला माने है, फिर है अल्लाह यानी अल्लाह है। जब नफ्स की नफी हो जाएगी, नफ्स खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ तुम्हारे अंदर वही अल्लाह मौजूद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जब तक झूठ नहीं छोड़ोगे, एक दूसरे की चुगली नहीं छोड़ोगे, बुरी नहीं निकालोगे, हाँ अहंकार नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हारा नफ्स नहीं मरेगा। इसीलिए वो कलमे को लिखा गया है कि उसको बार बार पढ़ के वो चीज निकालने की कोशिश करो, ये चीजें निकल जा, ताकि आखिरी वक्त में मेरा नफ्स मजा न चले। श्री वैदौला श्री की है। फिर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद के माने जानते हो, जिसकी हम्द की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, किसकी अजमत बयान की जाए, वो अल्लाह का आईना है, सरकार अल्लाह का मजहर है, यानी खुद अल्लाह है सरकार। फिर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के मतलब भी है अल्लाह। तो क्या हुआ, सरकार द्वारा भी अल्लाह है। उसके बाद क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ला माने क्या होता है, सल्ला लफ्ज है ना, सल्ला माने देखना, दीदार करना। उसके बाद है अल्लाह, सल्लल्लाह यानी अल्लाह की दीदार करना, सरकार वालों को देखना। अलैहि वालैहि वसल्लम यानी पूरे हाल के ऊपर सलामती भेजना, रहमते भेजना। तब इतने अच्छे से समझाने के बावजूद भी अगर नहीं समझ पाओ तो बेकार है। तब तो गौतम बुद्ध के जरिए से तुमको समझाना पड़ेगा। गौतम बुद्ध वो भी सरकार द्वालम जैसे प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। उनका भी वही मोहब्बत का काम था कि लोगों से मोहब्बत करते थे, जानवर को भी कटवाते नहीं थे, उसकी हिफाजत करते थे। तो पहले जब उनके पास कोई मुरीद होने जाता था तो कैसे करते थे, पहले उसका बाल छिलवाते थे, बाल छिलवा करके उनको गुसल दिलाते थे यानी नहलवाते थे, नहला करके उनको गेरुआ वस्त्र पहनाते थे, दाहिना हाथ खोलते थे, जैसे हज में जब एहराम बांधते हैं तो दाहिना हाथ खोल देते हैं, वैसे ही इस मजहब में दाहिना हाथ खोल करके बांधते थे। उसके बाद एक झोली देते थे, झोली दे करके बोलते थे किसी को 10 घर मांगने को, किसी को 5 घर, किसी को 3 घर। देने के बाद बोलते थे इसमें जो कुछ मिलेगा वही तुमको खाना है, अगर नहीं मिला है तो उपवास करना है, भूखा रहना है। तो ये क्यों करते थे कि अमीर लोग भी मुरीद होने आते थे, क्योंकि उनकी ऐसी प्रेम भावना थी कि उनके बात से मुतासिर होकर के गुरुमुख होने आते थे। तो जो अमीर लोग थे तो कैसे मांगना, उनके लिए तो मांगना तो ठीक नहीं था, लेकिन नफ्स मांग करके उनके नफ्स को नफी कराते थे, उनके नफ्स को तोड़वाते थे कि मांग करके तोड़वाते। हमारे सरकार द्वारा ने क्या कहा कि मांगना हराम है। फिर गौतम बुद्ध बोले
कि जैसे मेरे जैसा हमारे बाद आने वाले, जैसे मैं प्रेम करता हूँ सिखाता हूँ, अगर मेरे पास 1,000 लोग हैं तो उनके पास करोड़ों लोग रहेंगे, और वो भी ये प्रेम मोहब्बत की बात पाएंगे। वो पहले बता दें तो अपने सरकार कैसे किए कि मांगना हराम है, तो कलमे के जरिए उनका नफ्स को नफी करा रहे हैं कि तुम्हारा नफ्स निकल जाए। दोनों में कितना फर्क है, एक तो मांग करके एक कलमे के जरिए उनका नफ्स तोड़वाते थे। अब दूसरा कलमा जो शहादत का बताए थे, मुस्लिम बिन अकील जब वहां पहुंचे कूफा, तब पूरा भीड़ उमर पड़े मुरीद होने की। तो ये तो सब हाल है, सबकी हाल जानते हैं, फिर भी उन्होंने कहा, मेंबर पर बैठे बोले, देखो पहले तुम लोग शहादत का कलमा पढ़ो, उसके बाद मैं मुरीद करूंगा। तो शहादत का कलमा कौन सा पढ़ाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्न अलीउल वलीउल्लाह व सीए रसूलल्लाह ओ खलीफते उम्मी। हम लोग उम्मती बताए, उन्होंने कहा उम्मी। आज उम्मती क्यों बताया जाता है कि हर मौली मौलाना उम्मी का मतलब जाहिल बताता है, इसलिए उम्मती बोला गया कि हर उम्मती है जो मौला अली का है सरकार के, अलीउन वलीउल्लाह वसी रसूल अल्लाह वो खलीफते उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब तक पूरे हाल का तुम लोग पूरा पढ़ोगे नहीं, तुम्हें निजात नहीं। अभी कलमे के बारे में जो अलीउन वलीउल्लाह बोला गया, तो पहले तो नहीं बताया गया, सरकारी दुआलम की मौजूदगी में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान में वो शहादत का कलमा पढ़ती थी अली उन वलीउल्लाह का। सरकार के बाद इसीलिए उनको वहां से हटा दिया। आज हर मुसलमान को जब बोला जाता है तो जल्दी यकीन नहीं करता, वो बोलता है ये सिया सुनने में मार के रखा है। तो जब हम 25 नवंबर को जब पढ़ाया तो 2 दिसंबर को इसराइली समुंदर से वो पूरा सिक्का निकला जो 2 तारीख को आ गया था, उस पर पूरा मुकम्मल कलमा लिखा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ओ अलीउल वलीउल्लाह, पूरे सिक्के पर लिखा हुआ था। और इतना ज्यादा सिक्का था कि उसका तकमीना ही नहीं लगा पाए लोग, इतना है उसके बाद खोद भी जारी था। कुदरत की ऐसी बाजी कि ऐसी जगह वो चीज मिला कि कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि कोई बना के डाल दिया। इतना शहादत, इस समुंदर भी उगल करके बता दी अपने मौला की कहानी। अब देखो, अब सरकारे दो आलम तो तुम्हारे हाथ के सामने नहीं है मौजूद, अव्वल व आखिर, अव्वल से हैं और आखिर तक रहेंगे, ऐसे ही पूरे आल है, अव्वल से हैं और आखिर तक रहेंगे, लेकिन तुम देख नहीं सकते, तुम पुकारोगे तो तुम्हारा काम पूरा करेंगे। इसके सहारे तुम्हारे जो गुरु है, तुम्हारे पीर है, अब उन्हीं को देखना, उन्हीं के जिक्र करना ही है। मानो यहाँ पर
अब हमेशा वही चीज हम सरकार भी समझाते आए, मैं भी समझाता आया, ताकि मेरे पास जो आने वाले शिष्य हैं, जो मुरीद हैं, वो लोग अच्छे रहें। अब देखो सरकार के समय में अली वलीउल्लाह का जिक्र ज्यादा नहीं हुआ था, नहीं सरकार कुछ कुछ बताए थे पहले। अब यहाँ बोला जाता है जो अली वलीउल्लाह का मुनकिर है वो जन्नत में जा नहीं सकता। हाँ, तो अब बताओ सरकार के मुरीद को क्या होगा? देखो अगर जिस चीज के बारे में मालूमात नहीं है, जैसे पहले जो इस्लाम नहीं लाया, जो गलती किया कर लिया, इस्लाम लाने के बाद फिर नहीं छूट है, ऐसे ही सरकार हमारे जो थे, दूसरे सरकार जो तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा ये चेहरा पढ़ लो, ये चेहरा याद रखो, ये जिक्र करो, तो जब ये है तो तुमको पार वो ले जाएंगे, जैसे वारिस बाग भी बोले एक चेहरे का ही हो जाओ। एक आए मुफ्ती साहब बोले आज तो हम वारिस बाग को कायल करके ही रहेंगे नमाज के लिए। आए बहुत से चीजें उदाहरण देने लगे तो वारिस पाक बोलते थे हाँ हाँ सही है सही है। अरे जितनी बातें बोलते थे बोले सही है सही है। तो वारिस पाक बोले जिसको नमाज के लिए जिसका तुम जिक्र कर रहे हो अल्लाह के लिए, जब अल्लाह ही जब है खुद मौजूद, तो मैं और दूसरे किस अल्लाह की इबादत करूं, तो हराम हो जाएगा। मेरा अल्लाह इस अल्लाह को दूसरे अल्लाह को जब मैं पुकारूंगा सुनेगा? जैसे उनको जब जिंदा करने का हुआ बादशाह के लड़के को, तो बोलते थे आकर के कुम बेजनिल्ला, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जा, नहीं उठता था मुर्दा। फिर बोलते थे कुम बेजनिल्ला, फिर नहीं उठा। तब क्या बोले कुम बेजनी, यानी मेरे हुक्म से उठ जा। तब जब अंदर वाले अल्लाह से बोले वो तुरंत उठ करके बैठ गया। आज जो वो जिस निरंकार है, जो उसका आकार ही नहीं है, जो नूर है प्रकाश है, तो वो आवाज नहीं सुना, ये सुनता है। जब जिसको हम जानते हैं तो दूसरा अल्लाह नहीं सुनेगा, यही अल्लाह सुनेगा, इसलिए वो तुरंत उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठ गया तो वही मौलवी मौलाना उनके ऊपर फतवा लगाए, क्या कहे इन्होंने क्यों कहा कि मेरे हुक्म से उठ जा। अब फतवा लगाए कि इनका सर कलम कर दिया जाए। फिर उनका सर कलम किया गया। जो जान बचाया वो पहले ही वहां से चले, तभी बोले कि देखो तुम लोग हमको कत्ल कराओ। बोले नहीं ऐसा नहीं। फिर अपने मुरीद को, एक जो खादिम था, उसको बोल दिए थे कि देखो मैं जा तो रहा हूं लेकिन तुम भी आ जाना, ये गुदरी ले लेना, ये गुदरी लेना, जब सब में से कुंभ बेजनी आएगा ये लोग परेशान हो जाएंगे तो मुझे जला देगी, कत्ल कर देगी। जलाने के बाद राख में से खून में से सब में से जब वही आएगा तो उसको क्या करेंगे, सब जला करके पानी में दरिया में डालेंगे। जब दरिया में डालेंगे तो उसमें इतनी तेज तूफान निकलेगी मौज कि शहर डूब जाएगा, कोई बचेगा नहीं। तो तुम उस समय ये गुदरी दिखला देना, ये सरकार की गुदरी है। जब जब देखा वो माजरा, जल्दी से वो गुदरी उठाया दिखलाया, फिर वो मौज ठप। आज ये मौलाना लोगों का काम है कि जान बचाना भी और फिर उनको ही ऊपर इल्जाम लगा के कत्ल कराना। जैसे जो बोला गया है एक अर्श मौला, एक करबला मौला,
करबला मोहल्ला में जितने मुफ्ती मौलाना कारी थे, सब डर के मारे किसी को कत्ल के, किसी को पैसा दे करके सबसे फतवा लिखवाया कि इमाम हुसैन को कत्ल करना वाजिब है, उनको कत्ल किया जाए। यही बोली मौलाना जी। चलो दरूद पढ़ लो, फिर अपना काम आगे बढ़ा जा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदी व मौला मौलाई व अला आले सैयदी व मौला मौलाई व बारिक व सल्ले व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मौला जितने लोग बैठे हैं सबको निजात दिला दे मौला, सबको तंदुरुस्त हयाती दे मौला, जो बेरोजगार है उसको रोजी अता कर, पंजतन पाक के सदके में हर चीज पूरा कर दे मौला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।